हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पायलट डेस्क यूपी में स्वागत है। मैं पी पी कुशवाहा, बात कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। हमने तीसरा लेक्चर देख रहा है जो है मोमेंट और कपल का। आज हम थ्योरी इसकी कवर कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के 11 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर देखेंगे अगर टाइम लंबा जाएगा तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। दोस्तों, जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो है ए मैन एंड अ बॉय कैरी अ वेट ऑफ 300 न्यूटन बिटवीन देम बाय मीन्स ऑफ यूनिफॉर्म पोल 2 मीटर लॉन्ग एंड वेइंग 100 न्यूटन। वेयर मस्ट द वेट बी प्लेस सो दैट द मैन मे बियर ट्वाइस एज मच द वेट ऑफ एज दैट द बॉय। एक्चुअली है कि एक आदमी है और एक छोटा सा लड़का है, वो दोनों एक वेट को, जो वेट है 300 न्यूटन का, उसे ले जा रहे हैं। उसको एक रस्सी मतलब सॉरी एक पोल जो एक खम्भा है उसके द्वारा ले जा रहे हैं। खम्भे की जो लंबाई है वो 2 मीटर है और जो उसका वजन है वो 100 न्यूटन है। तो पूछ रहा है कि वेट को कहाँ पर रखा जाए, वेट को कहाँ पर रखा जाए कि जो आदमी है वो बच्चे का दोगुना वेट बियर करे, मतलब कि बच्चे को कम वेट बियर करना पड़े और जो आदमी है उसको ज़्यादा वेट बियर करना पड़े। तो हमने क्या किया, माना कि जो बच्चा प्यास जो वेट है, जो लड़का वेट को सपोर्ट कर रहा है उसका माना वेट W है, तो जो आदमी वेट सपोर्ट करेगा उसका हो जाएगा 2W। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक 300 न्यूटन का लोड यहाँ पर हमने रख दिया हुआ है और जो पोल का वेट है 100 न्यूटन का, वो पोल के जस्ट मिडिल में एक्ट करेगा। दोस्तों, अगर कोई भी पोल हो या सीढ़ी हो, कुछ भी हो, अगर उसे कुछ वेट दिया है तो उसकी जो लंबाई है उसके जस्ट मिड में उसको हम एक्ट करते हुए मानते हैं। तो हमने ये माना कि 100 न्यूटन पर ये एक्ट कर, 100 न्यूटन का वेट इसके मिड पर, मतलब कि एक एक मीटर अगर इंड से लें तो एक एक मीटर पर एक्ट कर रहा है। वेट हमने कहीं पर रखा, इसकी दूरी एक तरफ से मान ली है बी से एक्स मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, जब बी से एक्स मीटर की दूरी पर है तो एच कितना हो जाएगा, 2 - x पर। तो यही हमने यहाँ पर किया, फिगर में आपको दिखाया। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, सिग्मा वी इक्वल टू 0, तीन इक्वेशन हमने बताया था, सिग्मा एच इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0। दोस्तों, हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, आज कई बार करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया कि सिग्मा वी इक्वल टू 0, मतलब कि जो ऊर्ध्वाधर लोड लग रहे हैं उनका अल्जेब्रिक सम हमने किया और वो 0 के बराबर होना चाहिए अगर ये चीज़ साम्यावस्था में है। तो हमने क्या किया, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लिया और जो निगेटिव डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको निगेटिव लिया। तो हुआ क्या, मान लीजिए अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है अगर इक्विलिब्रियम में है तो बराबर डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा आसानी से। तो देखिए, अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, जो बच्चे उसको संभाल रहे हैं, जैसे ये W हुआ और 2W हुआ, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। और जो नीचे की तरफ लग रहे हैं उनको हमने ऐड किया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। तो 300 प्लस 100 न्यूटन, ये हो गया हमारा 400 न्यूटन। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा 3W इक्वल टू 400। तो जब W इक्वल टू किए तो आ गया 133.3 न्यूटन। तो जो बच्चे का वेट हो गया, जो बच्चा वेट सपोर्ट कर रहा है लड़का, वो हो गया हमारा 133.3 न्यूटन और जो आदमी सपोर्ट करे वो हो गया हमारा इसका जस्ट डबल हो गया, ये हम मान सकते हैं। अब क्या करना है, हमको इसकी डिस्टेंस पता करनी है कि वेट का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा। तो हम किसी भी एक तरफ से मोमेंट ले लेंगे, चाहे ए पॉइंट से ले लें चाहे बी पॉइंट से। अब उसी को हम सॉल्व करेंगे। हमने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया, ए के अबाउट मोमेंट लेने से क्या होगा, ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि उसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हमने जब मोमेंट लिया तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हम यही करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जो 2W फोर्स है अपवर्ड लग रहा है तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पहले लिया हुआ है, फोर्स हमारा 2W है और डिस्टेंस क्या हमारी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 2 मीटर। तो दोस्तों, हमने बताया कि जो मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अभी हमारा फोर्स हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हुआ। अब हमने क्या किया, बराबर का साइन लगाया और जो क्लॉकवाइज लग रहे हैं इनका हम अल्जेब्रिक सम किए, इनको हम ऐड कर दिए। तो पहले जो इधर लोड लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है, दूसरा लग रहा है 300 न्यूटन का। अगर हम 300 न्यूटन वाला
मोमेंट लें तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स, इसकी डिस्टेंस हो गई 2 माइनस एक्स, प्लस 100 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 1, तो 100 हमारा फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो हमारा जो इक्वेशन बना अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4W इक्वल टू आया 3 इंटू 600 माइनस 300 एक्स प्लस 100। अब क्या किए हमने, जब W का वेट जो हमने W का मान निकाला था उसको हमने यहाँ पे रख दिया, 4 इंटू 133.3 इक्वल टू 6 और 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 700 माइनस 300 एक्स। अब क्या किया जब हम इसको सॉल्व किए टोटल इस इक्वेशन को, तो x इक्वल टू आया 0.55 x मीटर, मतलब कि हमको निकला कि जो a से डिस्टेंस है, जो a से हम दूरी रखे हैं a वाला डिस्टेंस x से, x कितना हमारा आया 0.556, मतलब कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 0.556 मीटर। इतनी दूरी पर हमको वेट को रखना है ताकि जो बच्चा जो है इसका डबल वेट करे और आदमी के पास इसका दुगना वेट बियर करे। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एक लीवर का है, दिया हुआ है फिगर 3.27। दोस्तों ये फिगर है, हमने यहाँ पे देख रहे हैं, सोज अ बेल क्रैंक लीवर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड लिफ्टेड परपेंडिकुलर टू द वेट ऑफ आर्म एफ वी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन अ फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ परपेंडिकुलर टू पावर आर्म एफ ए 20 मीटर लॉन्ग। दोस्तों जो दिया है पावर आर्म वो कितना है 20 सेंटीमीटर लंबा है, और जो दिया है वेट आर्म वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये वाला हमारा है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ पावर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से हमको वेट उठाना है। एक्चुअली दोस्तों हमने बताया था जब इसमें क्या होता है कि हम जो पावर लगाते हैं वो हॉरिजॉन्टली लगाते हैं और जो वेट उठता है हमारा वर्टिकली उठता है, ऊर्ध्वाधर उठता है, तो इसलिए यहाँ पे हम बेल क्रैंक लीवर का यूज करते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये डब्लू पता करना है कितना लोड उठेगा जब यहाँ पे 100 न्यूटन का वेट एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, प्रयास अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट है इसके मोमेंट, इसके अबाउट हमने मोमेंट ले लिया, इसके अबाउट मोमेंट लिया, तो देखिए ये जो फोर्स है इसको क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है, और ये वाला जो फोर्स है इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमने जब इससे 100 का वाला मोमेंट लिया तो हो जाएगा 100 इसकी फोर्स हो गया और इसके डिस्टेंस क्या है 20, तो यही हमने लिखा 100 इंटू 20। अब क्या किए W इंटू, जब इसका मोमेंट लिया तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट से 5 सेंटीमीटर, तो W इंटू 5, जब हम W जब इस इक्वेशन को सॉल्व किए W इक्वल टू हो गया, इसको हम इस साइड भेज दिए तो हो गया 100 इंटू 20 अपॉन 5, इसको सॉल्व किए तो हमारा आया 400 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर हम बेल क्रैंक लीवर में इस टाइप का जो इतना दिया हुआ है 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके हम 400 न्यूटन का वेट उठा सक रहे हैं, उठा पा रहे हैं। दोस्तों ये हमारा है बेल क्रैंक लीवर। अगला क्वेश्चन हमारा है लीवर सेफ्टी वाल्व से, आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द लीवर ऑफ अ सेफ्टी वाल्व वेट्स 40 न्यूटन, मतलब कि जो वाल्व का वेट है वो WV हमारा है 40 न्यूटन, एंड इट्स CG लाइज बिटवीन डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वाल्व विच इज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम। इफ द डायमीटर एंड वेट ऑफ द वाल्व आर रिस्पेक्टिवली 7 सेंटीमीटर एंड 60 न्यूटन, फाइंड द मिनिमम वेट दैट विल बी हैंग टू द एंड ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग द लीवर टू कंजर्व स्टीम इन द बॉयलर एट प्रेशर 100 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा प्रेशर लग रहा है वाल्व से 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है, ये पूछ रहा है कि फलक्रम से 80 सेंटीमीटर दूरी पर कितना वेट लटकाएं ताकि हमारा जो प्रेशर है बैलेंस में रहे, जबकि दिया हुआ है वाल्व का जो वेट है 60 न्यूटन है और जो लीवर का वेट है वो है 40 न्यूटन, यहाँ पे हमको दे रखा हुआ है। अब देखिए इसको हमने एक अप्लाई किया, एक फिगर ड्रा किया, एफ वी डी जिसको बोलते हैं, हमने पहले फलक्रम लिया। अब क्या बोला कि जो दोस्तों ध्यान रखना जो लीवर सेफ्टी वाल्व में फलक्रम होता है हमेशा लेफ्ट साइड और लास्ट में होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अभी जब स्टील यार्ड करेंगे तो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे वाल्व बात करती है, उसके बाद वाल्व आता है, तो वाल्व कितने का हमारा 60 न्यूटन का है और कितनी दूरी पर है 7 सेंटीमीटर का, सॉरी सेंटर ऑफ द वाल्व विच इज 8 सेंटीमीटर, दोस्तों यहाँ पे कितना है 8 है, और जो हमारा यह है ग्रेविटी है वो कितने पे है 9 सेंटीमीटर पर एक्ट कर रही है यहाँ पे
9 सेंटीमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ द वाल्व, विच इज 8 सेंटीमीटर फ्राम द, जी देखिए 8 सेंटीमीटर की वाल्व का डिस्टेंस है, और जो ये हमारा लीवर का डिस्टेंस वेट है, ये 9 सेंटीमीटर वाल्व से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक्ट कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें वेट जो हमको लटकाना है फलक्रम से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा हुआ है, लॉन्ग लीवर टू कंजर्व द स्टीम। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको धीरे धीरे इस पर मोमेंट लगा के कुछ कैलकुलेट कर लेना है। एक्चुअली जो दिया हुआ है हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन सेंटीमीटर का लोड अप्लाई हो रहा है, ये समझ में आया। अब ये देखिए डायमीटर दिया हुआ है वाल्व का, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमने दोस्तों आपने बताया था कि फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर हमारा दिया है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको चेंज करने वाले नहीं हैं। इक्वल टू एरिया हो जाएगा हमारा पाई बाई फोर, डायमीटर दिया है तो डी स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 100 इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, डी स्क्वायर हमारा है 7 का स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पर केवल इतना ही सॉल्व किया है, 38.48 आया है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 38.48, इतना हमारा ये आंसर आएगा किसका, प्रेशर का। अब हम मोमेंट लेते हैं फलक्रम के अबाउट, देखिए इसके अबाउट मोमेंट जब लेंगे तो पहले हम देखते हैं क्या बनता है। देखिए सारे फोर्स हमारे कैसे हैं, ये क्लाक वाइज, ये भी क्लाक वाइज, ये भी क्लाक वाइज, केवल एक फोर्स है जो एंटी क्लाक वाइज है, वो हमारा प्रेशर वाला। आइए हम मूवमेंट लेंगे तो जो क्लाक वाइज है पहले उसको एक तरफ लिखते हैं, तो डब्लू इंटू 80 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया, प्लस प्लस में अब हम इसका ऐड करते हैं, तो हो रहा हमारा हो जाएगा फलक्रम से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 9 प्लस 8, तो 40 इंटू 9 प्लस 8 प्लस 60 वाला जो वालों का वेट है वो भी नीचे की ओर एक्ट करेगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है फलक्रम से 8, तो 60 इंटू 8 प्लस प्रेशर इंटू एरिया इंटू 8। दोस्तों हम इसको पूरा वैल्यू किए, प्रेशर हमारा कितना हो गया निकल के आया है, फोर्स वो आया 38.48। तो ये दोस्तों चाहे ऐसे करिए चाहे पी इंटू 38.48 करेंगे तो वही बात आएगी। भी यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया डब्ल्यू इंटू 80 प्लस इसको सॉल्व किया इस टर्म को तो आया 680, इसको किए तो 480 आया, बराबर प्रेशर कितना है हमारा 100, एरिया हमने कितना निकाला अभी यहाँ पे देखिए 38.48, अब डिस्टेंस कितनी है ये एक्ट कह रहा है यहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है ये वाला 8, तो 8 है। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमारा डब्लू निकल के आया 370.3 न्यूटन, तो हमको यहाँ पे इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 370.3 न्यूटन का वेट हमको यहाँ पे लटकाना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे लीवर सेफ्टी वाल्व में, हमको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया है उसको लिख देना है, ऐसे ड्रा कर देना है, जो नहीं दिया है उसको हम कुछ मान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं फलक्रम के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं और सारा चीज़ हमको पता चल जाता है जो हमको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉमन स्टील यार्ड पे दिया हुआ है, कॉमन स्टील यार्ड विदाउट हुक कनेक्शन वेट 80 न्यूटन एंड एक्ट्स एट 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द फलक्रम। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टील यार्ड ने सब कुछ दिया है कि फलक्रम के लेफ्ट में ऐड कर रहा है 5 सेंटीमीटर दूर पर, जो इसका वेट है 80 न्यूटन का। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे दिखाया भी है फिगर में, इसलिए हम फिगर बाद में ड्रा करना सीखेंगे। द हुक विच कैरीज द लोड वेट 30 न्यूटन, जो दोस्तों हुक है उसका लोड 30 न्यूटन है, जो एक लेफ्ट हैंड साइड में लटकाया गया है, इसकी फलक्रम की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द ग्रेजुएशन मार्क 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम रीड्स 550 न्यूटन, फाइंड द, बोला कि जो हमारा हुक है वो फलक्रम के लेफ्ट हैंड साइड पे 12 सेंटीमीटर दूर पर है और उसका वेट करना है 30 न्यूटन। फिर बोला इफ़ द ग्रेजुएशन मार्क, जो ग्रेजुएशन है जो हमारा राइडर पढ़ रहा है 550 न्यूटन को पढ़ने के लिए 75 सेंटीमीटर पढ़ रहा है, मतलब कि फलक्रम से यहाँ पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो राइडर है जिस जो हमारा सरकता है वो हमारा इतनी दूर पर है। इसमें पता करना है कि जो राइडर है जो हमारा वेट राइडर है उसका वेट कितना है, ग्रेजुएशन क्या है, हाउ फार इज द जीरो ग्रेजुएशन फ्रॉम द फलक्रम, कितनी दूर पर फलक्रम से यहाँ पर कितनी दूर पर जीरो मार्क किया गया है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ राइडर पर 10 न्यूटन ऑफ ग्रेजुएशन। दोस्तों अगर हम वेट को 10 मान ली 10 न्यूटन को पर 10 न्यूटन वेट मेजर करने के लिए जो हमारा राइडर है वो कितना मूव कर रहा है, मतलब कि पर 10 न्यूटन पे कितना हमारी डिस्टेंस चेंज होगी,
यही पूछ रहा है। तो आइए हम चलिए फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा पहला है, पहले हमने यहाँ पे फलक्रम देखिए, फलक्रम हमने दिखा दिया, फिर जो जब बोल रहा है वही वही हम करते जाएंगे। 80 न्यूटन का जो वेट है किसका, हुक विदाउट हुक मतलब स्टील यार्ड का, वो 5 सेंटीमीटर फलक्रम के लेफ्ट की ओर ऐड कर रहा है। तो हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर गए और वहाँ से 80 न्यूटन का जो फलक्रम का वेट है, सॉरी स्टील यार्ड का, उसको हमने हैंग कर दिया, दिखा दिया। फिर उसके बाद आगे गए, एक लोड है जो 30 न्यूटन का, जो हमारा हुक है वो 30 न्यूटन का है और वो लेफ्ट हैंड साइड में 12 सेंटीमीटर पर ऐड कर रहा है। तो यहाँ से हम 12 सेंटीमीटर इस साइड आए और यहाँ पे एक हुक, ये वाला हुक है, हुक को हमने 30 न्यूटन का हमने दिखा दिया, 30 न्यूटन का हुक है। फिर इफ द ग्रेजुएशन मार्क 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द फलक्रम, अगर जो हमारा राइडर है 75 सेंटीमीटर पर है और जो वेट मेजर करा वो 550 न्यूटन का है। एक्चुअली क्या है कि 550 न्यूटन का तो वेट मेजर ही कर रहा है और प्लस में 30 न्यूटन उसका वेट है, तो मतलब यहाँ पे जो रहा इसका वेट होगा हुक का टोटल कितना हो जाएगा, 580 न्यूटन। अब ये राइडर का वेट हमको दिया नहीं है, तो पहले हमको तो राइडर का वेट पता करना है कितना होगा। तो दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एफ़ के अबाउट क्या लेंगे, मोमेंट ले लेंगे। जब एफ़ के अबाउट मोमेंट लेंगे तो देखिए क्या क्या फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है। राइडर का देखिए, ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो इस साइड ऐड करेगा कैसे, किस तरफ, क्लॉकवाइज, और ये सब हमारे एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉक मूवमेंट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो वेट का है राइडर का वेट वो है डब्ल्यू आर, तो डब्ल्यू आर इंटू डिस्टेंस यहाँ से लेंगे तो 75 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 80 न्यूटन वाला जब मूवमेंट लेंगे तो इस साइड है इसलिए हम इक्वल को इस साइड लिख रहे हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर, तो 80 न्यूटन मतलब 80 गुणे 5 तो 80 इंटू 5 प्लस। अब ये वाला देखिए हुक पे कितना है, एक तो 30 न्यूटन का हुक है, ऊपर से 550 किलो न्यूटन का हमारा वेट है, तो यहाँ पे जो टोटल वेट हो गया 580 न्यूटन का, 580। जब इसका मोमेंट लेंगे तो हमारा हो जाएगा 580 और इसका डिस्टेंस कितनी है 12, तो इंटू 580 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करने पर हमें वेट ऑफ राइडर निकल गया कितना, 98.1 न्यूटन। लेकिन दोस्तों हमको यही पता करना है कि कितनी दूरी पर जीरो ग्रेजुएशन है, फलक्रम यहाँ कहाँ पर जीरो इंडिकेट हो रहा है। हमने माना यहाँ पर वेट ऑफ राइडर है जो हमारा वेट जीरो मेजर करेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, हमारा वेट अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो मेजर करेगा, मतलब कि 30 हमने कोई लोड नहीं रखा, जीरो लोड पे, तो कितनी दूरी पर वेट राइडर होगा, तो यही पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें हम ये वाला फोर्स ना कंसिडर करके केवल 30 न्यूटन कंसिडर करेंगे। आइए देखते हैं कैसे, सभी चीज़ वही है, अब यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये वाला हमको कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला केस, दूसरा केस में आ गए। तो अब हम इसका भी सेम वही इसी तरह मूवमेंट लेंगे। अब क्या होगा, ये भी हमारा किस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज, तो डब्ल्यू आर इंटू एक्स, डब्ल्यू आर इंटू एक्स इस तरह का मूवमेंट हो गया, इक्वल हो जाएगा हमारा 80 इंटू 5 प्लस 30 गुणे 12, ये वाली हमारी डिस्टेंस 12 है, 30 गुणे 12 हमारा इक्वेशन बना। डब्ल्यू आर मतलब वेट ऑफ राइडर हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है, 98.1, तो इसमें इसका मान रख दिया और इसको सॉल्व किया, तो हमारा जो x की वैल्यू आई 7.74 सेंटीमीटर। तो हमारी जो आंसर आई ये है जीरो, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो ग्रेजुएशन है इस दूरी पर हमारा यहाँ जीरो है, फिर इस तरह बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा है स्टील यार्ड। अब बात करते हैं कि पर 10 न्यूटन, पर 10 न्यूटन पर हमारा ग्रेजुएशन कितना मूवमेंट होगा राइडर का। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, हमारा जब वेट था 550 तो हम कितना मेजर कर रहे थे, डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर, कितना 75 सेंटीमीटर। जब हमारा जीरो था तो हम कितना मेजर कर रहे हैं, 7.74 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस टोटल मूव कर रहा है वो हमारा है 67.26 सेंटीमीटर, हमारा लोड लगने के बाद हमारा मूव हो जा रहा है। जब 550 पर 67.26 मूव हो रहा है तो हमारा देखिए, अब इसको 550 को अगर हम 10 पे भाग करें, 10 कर देंगे तो हमारा जगह 55 क्यों आया, क्योंकि पर 10 न्यूटन पे हमको ग्रेजुएशन निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जब 55 पे 67.26 है तो पर 10 सॉरी यहाँ पर समझा दें, 550 पे है 67.26 तो एक हो जाएगा हमारा 67.26 बाई 500।
मतलब जब 10 की बात करेंगे तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 67.26 अपॉन 550 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व किया तो आया 1.2 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर जितना हम 10 न्यूटन का लोड बढ़ाते जाएंगे इतना हमारा जो राइडर है खिसकता चला जाएगा। दोस्तों ये हमारा हुआ स्टील यार्ड का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और है जो बोल रहा है फोर्सेस 1P 3P माइनस 4P एक्ट इन ऑर्डर राउंड द साइड ऑफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 20 mm ड्रॉन ऑन द रिजिड लेमिना फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट लाइन ऑफ एक्शन। दोस्तों बोल रहा है कि हमारे पास इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें हमारे तीन फोर्स काम कर रहे हैं 1P 3P माइनस 4P और जिसकी भुजा की लंबाई है 20 mm। तो पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा डायरेक्शन और कितनी दूर पर पोजीशन भी उसकी निकालनी है। तो ये देखते हैं कुछ फिगर। तो ये हमने फिगर ड्रा किया ये हमारा ए से पी 1P ऐड करा फिर 3P फिर माइनस 4P ये हमने फोर्स को ड्रा कर दिया। अब क्या करना है हमको रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे पहले सिग्मा एच फाइंड आउट करेंगे फिर सिग्मा वी फाइंड आउट करेंगे। इसको जीरो के बराबर कर देंगे या फिर यही सिग्मा एच फाइंड आउट करें सिग्मा वी फाइंड आउट करेंगे बस इतना ही करना है। अब देखिए कुछ फिगर इस तरह है ये हमारा 1P है ये हमारा 4P है। दोस्तों माइनस में लग रहा है इसलिए हमको इसको डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ी नहीं तो हम सीधे जाते। ये हमारा 3P है ये हमारा था बी ये हमारा सी दिया है ये हमारा मान लीजिए ए है। अब क्या करना है हमको इसको रिजॉल्व करने देना है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे इस वाले फोर्स को दोस्तों हम पेन दूसरा ले ले रहे हैं ताकि आपको दिखे दिखे थोड़ा। जब हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे एंगल दिया हमारा 60 डिग्री जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा यहाँ सब 60 डिग्री दिया हुआ है। हम इसको रिजॉल्व किए इस वाले फोर्स को तो डाउनवर्ड ही लगेगा और ये फोर्स होगा 1P साइन 60। वहीं पे जब इस तरह इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कुछ फोर्स इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और ये हमारा हो जाएगा 1P cos 60। समझ में आया। अब इसको रिजॉल्व करेंगे अब ये क्या होगा नीचे क्यों रिएक्ट करेगा। अब इसका जो डायरेक्शन होगा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा 4P। दोस्तों देखिए एंगल इस तरह बना रहा है लेकिन रिजॉल्व हम इस वाला कर रहे हैं तो हमारा साइन आएगा साइन 60। जब हम हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे तो कुछ फोर्स इस तरफ आएगा तो हो जाएगा हमारा 4P cos 60। अब इसी को सिग्मा एच और सिग्मा बी में तोड़ लेंगे। दोस्तों देखिए अब बात करते हैं सिग्मा एच सिग्मा एच कौन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों ये वाला जो फोर्स है इस तरफ ऐड कर रहा है 1P वाला तो ये हमारा माइनस में होगा और ये दोनों फोर्स जो हैं 3P और 4P cos ये दोनों इस तरफ ऐड करें तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो वही किया माइनस 1P cos 60 हॉरिजॉन्टल में प्लस 3P हमको इसके साथ कुछ नहीं करना है ये वाला फोर्स हमारा था 3P हो गया प्लस क्योंकि ये राइट साइड ऐड कर रहा है तो हमारा 4P cos 60 डिग्री। इक्वल जब हमने किया तो इसका जब सॉल्यूशन किया तो आया -4.5P हमारा सिग्मा एच। उसी तरह हम सिग्मा वी की बात करेंगे तो देखिए 1P वाला फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और 4P वाला फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है मतलब कि 1P साइन 60 माइनस में 4P साइन 60 माइनस में ये दोनों फोर्स ही लग रहे हैं वर्टिकल में तो आया -4.33P। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट तो R इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा रूट ऑफ सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर। इसको रख दिया तुम्हारा आंसर आया 6.42P। तो देख रहे हैं ना कितना आसानी से आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। दोस्तों हम कुछ नहीं करते थीटा का वैल्यू निकालते हैं टेन थीटा। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा वी बाई सिग्मा एच इसी में वैल्यू हम पुट आउट कर देंगे। जब हम इसको वैल्यू रखें सिग्मा वी की हमारा कितना है 4.33P और हमारा जो सिग्मा एच आया 4.5P तो इसके वैल्यू आई हमारी 0-0.962। जब हमने इसका टेन इनवर्स लिया तो थीटा इक्वल निकल आया -43.9। अब देखिए इसका हमको डायरेक्शन चेंज करना है अगर हम चाहें तो यहाँ से पता कर लेते हैं 43 किस में माइनस थीटा किस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेकिन हमको यहाँ से निकालना है।
ये बता रहा है जो सिग्मा एच है वो तो राइट साइड है, लेकिन जो सिग्मा वी है वो निगेटिव में है, मतलब कि नीचे। तो ये जो एंगल रिजल्टेंट आएगा कहीं इस तरफ आएगा और इसका एंगल जो होगा 43.9 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो हमको डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन हमको इसका पोजीशन पता करना है, किस पोजीशन पर एक्ट करेगा। तो पोजीशन कर पता करने के लिए हम किसी एक पॉइंट पर मूवमेंट ले लेंगे। हमने यहाँ पर बी पॉइंट पर मूवमेंट लिया, मूवमेंट लिया, अब क्या करना है, सभी का मूवमेंट लेना, सभी फोर्सों का। तो पहले हमने देखा यहाँ पे लिखा है 6.24 P, मतलब कि ये वाला फोर्स है जो हमने अभी रिजल्टेंट निकाला 6.24 P। इसका मोमेंट हम मान लेते हैं डिस्टेंस, कहीं डिस्टेंस ये वाला अभी तो यहाँ पे लिख दिए हैं, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस कितना है, x पे हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि फोर्थ काउंटेंट जा रहा है तो हमको ये चीज़ देखना है, इसी से हमने वैल्यू लिया हुआ है, कितना हुआ x। अब देखिए इस वाले फोर्स की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालनी है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है तो हमारा ये हो जाएगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुज हमारी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो बचा हमारी होगी बेस। अब हम यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है एल अपान के, तो हमको जब यहाँ से एल निकालना है और के हमको पता है कितना है हमारा यहाँ पे 20, जब यहाँ पे के इक्वल टू होता है 20 है, थीटा इक्वल टू कितना हमारा है 60, यहाँ पे 60 है, तो हमारा हो जाएगा एल इक्वल टू 20 साइन 60। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल वही किया। जब मोमेंट लिया यहाँ पे दोस्तों, देखिए मोमेंट लिए, ये फोर्स है, जब यहाँ से फोर्स है तो किस तरह एक्ट करेगा, यहाँ से इस तरह घुमाने का प्रयास करेगा, तो क्लॉकवाइज हमने क्या किया, पॉजिटिव एक तरफ लिख लिया। अब जो अदर दो फोर्सेस हैं उनका हम मोमेंट लेंगे, तो देखिए जो पी वाला फोर्स है इसी पॉइंट से गुजर रहा है, इसका डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो पी इंटू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा पी इंटू जीरो। यहाँ पे 3P फोर्स लग रहा है, ये इसी पॉइंट से, इसका भी एक्शन लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से जा रहा है, इसकी भी डिस्टेंस कोई नहीं है, तो 3P × 0 हमने लिखा हुआ है, 3P × 0। अब 4P वाला फोर्स निकालना है, जो 4P वाला फोर्स ऐड करेगा वो भी कुछ इस तरह ऐड करेगा। अब क्या करना है, इसका मोमेंट लेंगे, तो पर फोर्स है यहाँ से, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने भी निकाली 20 sin 60, तो यहाँ पे 4P × 20 sin 60 हमने इसको लिखा, तो जब हमने हल किया तो ये आया हमारा 11.1 mm, मतलब कि यहाँ से डिस्टेंस जहाँ पे फोर्स ऐड कर रहा है यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 11.1 mm। दोस्तों ये हमारा हुआ मोमेंट का, जब कोई सी इक्विलेट जो किसी ट्रायंगल पर कोई फोर्स लग रहे हैं साइड में, तो उसका कैसे हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे और उसकी पोजीशन क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। दोस्तों अब हम जो आगे क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज इस लेक्चर के लिए बहुत इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पर सभी वीडियो मैकेनिक्स के डालने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को भी हेल्प करेंगे और मैकेनिक्स को पढ़ने में। थैंक यू।